एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार करंट अफेयर की किताब आई है उसका हम प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन बना रहे हैं। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त का दर्जा दिया गया। तो पहला कचरा मुक्त शहर बिहार का कौन बना है? सुपौल बना है। दूसरा क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम पर नाम कर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो उनका नाम रियान है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार किस नर्स को सम्मानित किया? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो कि नर्स को मिल दिया जाता है उन्हें मिला है, जो नाजिया परवीन को। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो दीदी की रसोई कार्यक्रम आपका बिहार में चल रहा है सभी कैंटीन में। पांचवा क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि अब सरकारी स्कूल में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? तो नो बैग डे आपका बिहार में है ऐसा प्रावधान। छठा क्वेश्चन है, कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया गया है? तो पहला लैब आपका बना है IGIMS पटना में बना है। सातवां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो हर जिले में भूकंप क्लिनिक कहाँ खुलेगा? बिहार में। आठवां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया? तो ये कहाँ? बिहार में मिलेगा आपको। अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे आपको। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो है आपके मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी, दोनों है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान का अवार्ड मिला? प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया है आपको बिहार को, बिहार में आरोग्य मंथन 2022 के तहत। ग्यारहवां क्वेश्चन है, बिहार के मधुबनी जिले के निवासी डैश को अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उनका नाम है प्रोफेसर अरुण झा। बारहवां क्वेश्चन है, अनामिका ने शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई डाइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया, उनका संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से आती है अनामिका शर्मा, स्काई डाइवर है ये, सबसे कम उम्र की बन गई है। तेरहवां क्वेश्चन है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बिहार ने 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त किया है। रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता, तो ये भी सही है। बिहार की महिला नेटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता, तो ये दो कौन, नेटबॉल टीम और रग्बी, ये दोनों गेम में कांस्य पदक मिला है बिहार को। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चौदहवा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? द्वितीय पुरस्कार बिहार को मिला है स्वास्थ्य सेवा के लिए। पंद्रहवा क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.4% बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पर है? तो छठे स्थान पर बिहार बेरोजगारी के मामले में। छठा क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल में शुरू किया गया है? तो सोनपुर में शुरू किया गया है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल।
17वां क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मौत मिला है? कीट एटलस मौत दुनिया का सबसे बड़ा जो कि है वो बिहार में मिला है, वाल्मीकि नगर में। 18वां क्वेश्चन है, 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में किया गया तो सही है। इस वर्ष बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य बनाया गया, तो ये भी सही है, बिहार झारखंड और महाराष्ट्र साझेदार राज्य बने हैं। राज्यों की श्रेणी में बिहार पवेलियन को रजत पदक मतलब दूसरा स्थान मिला है, सिल्वर मेडल मिला है, तो ये भी सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बिहार के खाद एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर बने हैं खाद एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर। 20वां क्वेश्चन है, बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो कीर्ति राशि के द्वारा 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया गया है जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में। 21वां क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव हुए थे, इसके संबंध में कथन कौन सा कथन सत्य है? तो गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज किया था, तो सही है, गोपालगंज सीट पर भाजपा जीत गई और कुसुम देवी ने जीता था। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी ने जीत दर्ज की, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, बिहार में किस शहर में फिल्म सिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? तो राजगीर में किया जा रहा है फिल्म सिटी का निर्माण और क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण किया जा रहा है। 23वां क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? तो 2025 तक रखा गया बिहार प्लस पूरे भारत में भी। 24वां क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में बजट का 21% तक हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, उस जिसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो अभी तक 21% एजुकेशन मतलब पढ़ाई पर खर्च हो रहा था, अब ये प्रतिशत 25% हो गया है, तो काफ़ी अच्छा है। 25वां क्वेश्चन है, बिहार सरकार के हर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर, गया और बोधगया से हुई थी, तो सही है, ये सही है। दूसरा चरण 2023 में शुरू होगा और नवादा जिले को भी कवर किया जाएगा, तो सही है, मतलब टोटल 4 हो जाएंगे, राजगीर, गया, बोधगया और नवादा। इन शहरों में हर घर को प्रतिदिन 135 लीटर पानी दिया जाएगा, तो ये भी सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये फतुहा में बन रहा है इनलैंड कंटेनर डिपो। 27वां क्वेश्चन है, किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दरभंगा में जो मखाना उत्पादन है उसको पीएम अवार्ड मिला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। 28वां क्वेश्चन है, खुदाई से मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियां मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया? तो पटना म्यूजियम में खुदाई का काम शुरू किया गया। 29वां क्वेश्चन है, बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो दहेज प्रथा और बाल विवाह के लिए उसके खिलाफ लड़ाई के लिए बिहार में स्कूली छात्र छात्राओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 30वां क्वेश्चन है, शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बोधगया में किया जा रहा है सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति का शयन मुद्रा में उद्घाटन या निर्माण। 31वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा? तो 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा युवाओं को।
बत्तीसवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में गरिमा गिरी की स्थापना की गई है? तो पटना में गरिमा गिरी ट्रांसजेंडरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए की गई है। 33वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जा रहा है? तो पहला फिश फीड मिल आपका रोहतास में बन रहा है, रोहतास। 34वां क्वेश्चन है, हाल ही में 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू हुई, इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र से हुआ? तो बिहार के जयनगर से हुआ था। 35वां क्वेश्चन है, बिहार के किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो परिमार्जन पोर्टल, नाम से ही थोड़ा लग रहा है परिमाण निकालना है ना, तो यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किया गया है, इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। और 36वां क्वेश्चन है, बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार विभूति से सम्मान मिला है रोहित कुमार को। 37वां क्वेश्चन है, हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किसी योजना की शुरुआत की गई है? तो जन्मजात जो छेद है किसी के हृदय में बच्चों के, उसको मुफ्त में इलाज किया जाता है, तो इसका नाम, उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। 38वां क्वेश्चन है, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर, फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये आपका बीटा में खुल रहा है ट्रेनिंग सेंटर फायर ब्रिगेड के लिए। 39वां क्वेश्चन है, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला जा रहा है? तो बिहार का पहला जैव विविधता पार्क अररिया में खोला जा रहा है। 40वां क्वेश्चन है, शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? तो नाम है प्रियदर्शी कुमार और ऋतु रंजन, ये दोनों ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। 41वां क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 500,000 दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई है? तो भागलपुर में बनाया गया। 42वां क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है? तो दूसरा तारामंडल आपका पटना के बाद बिहार में दरभंगा में बना है। 43वां क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीट मतलब 33% आरक्षित करने की घोषणा की है? तो ये जो बन रहा है आपका, ये जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज, इसमें आपको 33% आरक्षण मिलेगा लड़कियों को। 44वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकाय वालों राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार को 11वां स्थान मिला है 100 से अधिक निकाय जिसमें है, जिस राज्यों में है। 45वां क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में लगाया जा रहा है? तो बॉटलिंग प्लांट लग रहा है आपका बेगूसराय में। 46वां क्वेश्चन है, देश में जल निकायों की गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य है बिहार, जो कि जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रस्तुत करेगा। 47वां क्वेश्चन है, कोसी को किस सहायक नदी पर पन बिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत नेपाल के मध्य समझौता हुआ? तो कोसी की सहायक नदी अरुण कोसी, इस पर पन बिजली इकाई स्थापित होगी। 48वां क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो आपका 7.86% वनावरण है बिहार में भौगोलिक क्षेत्रों का। 49वां क्वेश्चन है, बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूल में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडीनेस का विशेष अभियान चलाया गया है? तो यह है, उसका नाम है अभियान चहक 2.2। तो स्कूल रेडीनेस के लिए चहक 2.0, चहक आ जाएगा है ना, ताकि एकदम रेडी रहे स्कूल रेडीनेस, तो चहक 2.0 अभियान है। 50वां और आखिरी क्वेश्चन है, बिहार में वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद है? तो आपका नगर निगम 19 है और नगर परिषद आपका 88 है।
तो ये था सेट नंबर 12 का 50 क्वेश्चन। इससे पहले सेट 1 से 11 का अगर वीडियो देखना हो, सॉल्यूशन देखना हो, तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।